हम लोग देखने वाले हैं क्या, अनुवंशिकता के सिद्धांत क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। जो कि आप लोगों को क्या होता है ऐसे कि नेचुरल भी देख सकते हैं आप, ठीक है, इस चैप्टर में ऐसा है कि आप नेचुरल देख सकते हैं, तो इस बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इससे आपके अच्छे मार्क्स भी गेन हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं आप, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे इससे नंबर बनते हैं आपके, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू कर देते हैं, अनुवंशिकता क्या होती है, क्या चीज, अनुवंशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आया है, आपने कहावतें तो बहुत सुनी होंगी, मैं लेकिन आपको एक कहावत मैं बताता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं लाइक बिगेस्ट लाइक, क्या बोलते हैं लाइक बिगेस्ट लाइक, इसका मतलब है कि जो भी जीवधारी होता है, मतलब जो भी जीव होता है, जो भी प्राणी होता है, वो अपने ही संरचना और अपने ही गुणों वाली क्या करता है, संतान को उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है या फिर पैदा करता है, क्या करता है, पैदा करता है। तो आपने इससे क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो कोई भी जीवधारी है या हमारे पेरेंट्स या जितने भी एनिमल्स क्या है जो संतान उत्पन्न करेंगे वो कैसी होगी, अपने जनक की जैसी होगी, ठीक है। जैसे मान लेते शेर का बच्चा, शेर तो रहेगा ना, शेर क्या है, शेर एनिमल्स है, एनिमल्स क्या है, शेर ही तो जन्म देगा, शेर नहीं है तो शेर को ही जन्म देगी, ठीक है, गाय है तो गाय, खरगोश है तो खरगोश को, ये नहीं है कि शेर है तो वहां बकरी जन्म हो रही, नहीं, बकरी पैदा नहीं हो रही, शेर है तो शेर ही जन्म मिलेगा उसका, ठीक है, जन्म देगा, ठीक, ये नहीं है कि गाय से भैंस हो रही है, भैंस से गाय हो रही है, ऐसा नहीं है, अपने ही संरचना और अपने ही संरचना मतलब समझते हो आकार का, अपने ही जैसा, ठीक है, और अपने ही गुणों वाला, गुणों का मतलब समझते हो, जैसे वो काला है तो काला, ठीक है, मान लेते हैं क्या है उसके चार पैर है तो चार ही पैर वाला होगा, तीन पैर वाला तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, अनुवंशिकता का ही एक क्या है पार्ट है, जो क्या करता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है ट्रांसफर होता रहता है। अब देख ही लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास गाय है, घर पे गाय है, ठीक है, तो वो गाय क्या करेगी, गाय को तो जन्म देगी ना, बछड़े को जन्म देगी, उससे शेर तो होगा नहीं होगा ना, तो फिर आप सोच सकते हैं ना, ये चीज अपने आसपास देख सकते हैं ना कि ये क्या है, ऐसे लक्षण हैं जो क्या होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या होते रहते हैं ट्रांसफर होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, अनुवंशिक लक्षण, अनुवंशिक लक्षण ही तो कहेंगे कि ये अनुवंशिक है भाई, मान लेते हैं बकरी हुई, बकरी से फिर बकरी हुई, तो ये क्या है अनुवंशिक लक्षण ही तो है, अगर बकरी से अभी मान लेते बकरी से कोई दूसरा एनिमल्स हो जाए जैसे मान लेते डॉग हो जाए, तो ये क्या है अनुवंशिक लक्षण नहीं होंगे भाई, बकरी है तो बकरी को ही जन्म देगी ना, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अनुवंशिक क्या है, पता हो गया आप लोगों को कि अनुवंशिकता क्या होती है, जो कि अपनी पीढ़ी को क्या करती रहती है, गुणों को ट्रांसफर करती है। जैसे मान लेते हैं हम क्या है, हमारे पेरेंट्स क्या है, हमको जन्म दिया तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे तो है ना, पेरेंट्स के जैसे क्या है, कुछ विभिन्नताएं हैं लेकिन है ना पेरेंट्स के जैसे, वो इंसान थे मनुष्य थे मानव थे, तो मानव से ही तो मानव हुआ ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो आज हमने देखा क्या अनुवंशिकता क्या होती है, अनुवंशिकता क्या होती है, ठीक है, पता हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो ठीक है। अब अनुवंशिकता भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, कैसी होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है आप
आंशिकता और दूसरी होती है वंशगति, मतलब कि ध्यान दो एक होती है ध्यान देना। एक होती है अवंशगति, दूसरी होती है वंशगति। ठीक, हम लोग देखेंगे अवंशगति और वंशगति। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, ये चीज देखेंगे। पहला देखेंगे अवंशगति। क्या देखेंगे? अवंशगति मतलब जो कि क्या है, क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम निकले, ठीक है, या कोई भी बंदा या कोई भी निकला, तो क्या होता है, गया बाहर गया, ठीक है, मान लेते हैं खुदा का वास्ता हो जाए उसके साथ, मान लेते हैं क्या हुआ उसका, एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ क्या हुआ, कट गया। क्या हो गया? कट गया। अब वो हाथ कटा, अब जो उसकी संतान होगी क्या उसी तरीके की होगी, हाथ कटा ही वो होगा? बोलिए, क्या हाथ कटा हुआ ही उसकी संतान उत्पन्न होगी? जो संतान पैदा होगी, जिसको वो जन्म देगा, क्या उसकी संतान में ऐसे लक्षण दिखेंगे कि उसका हाथ नहीं था तो इनका भी हाथ नहीं है? बताओ, नहीं होंगे ना। तो फिर अब एक और ले लेते एग्जांपल, मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर तो पढ़ लिख के बना ना। अब उससे अगर वो संतान उत्पन्न हो जाए, डॉक्टर की संतान क्या डॉक्टर होगी? डॉक्टर की संतान क्या डॉक्टर होगी? नहीं होगी। जब तक क्या वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक डॉक्टर कैसे बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, वो क्या है, अवंशगति है, मतलब कि ऐसी चीज है। अब एक और ले लेते एग्जाम्पल, कंफ्यूज हो रहे हैं यार। पहलवान, पहलवान कैसे बना? मेहनत करके बना होगा, बहुत सारे वर्क किए होंगे, बहुत सारी बॉडी वॉडी बनाने के लिए या एक्सरसाइज की होगी, थी होगी ना। तो अब क्या उससे कोई संतान उत्पन्न होगी? क्या होगी? अगर उससे कोई संतान उत्पन्न होगी तो क्या वो पहलवान होगी? नहीं होगी भैया। क्यों नहीं होगी भाई? उसने फिजिकल तरीके से ही क्या किया हुआ है, फिजिकल तरीके से क्या किया हुआ है, उसने अपनी बॉडी को बनाया। ठीक है, क्या बनाया है, फिजिकल तरीके से ही तो अपनी बॉडी को बनाया है उसने। तो अब अगर उससे उसकी संतान उत्पन्न क्या होगी, पहलवान होगी? नहीं, उसको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना कि उसके पैर ने किया है। तो वो ऐसे लक्षण है जो कि क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होते, वो कहलाते हैं अवंशगति लक्षण। क्या कहलाते हैं? अवंशगति। समझ में आई बात, इतनी क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब सेकंड क्या है, वंशगति थ्योरिकल है, थ्योरिकल तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है वंशगति। वंशगति में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जो कि मान लेते हैं कभी देखा होगा घर में लड़का हुआ, एक बच्चा हुआ, तो उसको कहेंगे ये तो उसका कान जो है पापा के तरीके से, अरे उसके हाथ तो मौसा तरीके से, अरे वो तो मम्मी को पढ़ा हुआ है, अरे देखेंगे उसके कान क्या है, भैया के तरीके से है, है ना, ये कहते हैं अरे ये तो दादा के तरीके से लग रहा है, इसके हाथ देखो एकदम दादा के तरीके से है। कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले पहले ही दिन से दूसरे ही दिन से कहने लगते हैं इसको पढ़ा हुआ है ना, कहते हैं ना। तो क्या होती है, कुछ चीजें क्या होती हैं, वंशा क्या होती है, वंशगति होती, मतलब वंशगति होती, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो अब यही चीजें क्या है, वंशगति का था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि कोई लड़का हुआ, कहेंगे अरे ये तो पापा को पढ़ा है, कहेंगे ना उसके कान नाक मुंह ये देख के ही तो बताते हैं ना, तो ये कैसे है, ये कैसे है, वंशगति है ना, जो एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वंशगति। और अवंशगति जैसे कि अभी बताया, पहलवान लड़का पहलवान हो नहीं सकता, तो ये कैसे लक्षण होंगे, कैसे होंगे, अवंशगति। ठीक, तो
नाक मुंह कान वगैरह पैर ये सब सेम अगर हो रहे हैं तो ये कैसे लक्षण है, कैसे हैं वंशागति? ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इस सारी चीजें एक तरीके से थ्योरिकल हुई, कैसी हुई? थ्योरिकल। अब हम जो लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? मेंडल्स लॉ। मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, क्या दिए थे? मेंडल्स ने कुछ नियम दिए थे, वो नियम के बारे में पढ़ेंगे और उनके सिद्धांत के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।